नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएचवन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा। दिल्ली में आज ऑड इवन फॉर्मूले की परीक्षा रही, या यूं कहें कि अग्नि परीक्षा रही। सभी दफ्तर और स्कूल खुले रहे। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूले को पूरी तरह सफल बताया, लेकिन इस मामले पर आज सियासत भी देखने को मिली। बीजेपी नेता विजय गोयल ने इस नियम का विरोध करने के मकसद से इस नियम को तोड़ा। आज ऑड इवन में कैसे रहे दिल्ली के हालात और कैसे हुई सियासत, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो दिल्ली में ऑड इवन को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ऑड इवन के नाम पर अपना प्रचार करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता विजय गोयल ने इस नियम का उल्लंघन किया, जिसके बाद उनका चालान काटा गया। वहीं परिवहन मंत्री गोपाल राय ने इसे दिल्ली को आहत करने वाला कदम बताया। इस बीच आज ऑड इवन की असली परीक्षा भी रही। कई जगह पर जाम भी देखने को मिला, कई लोग नियम तोड़ते हुए नजर आए। वहीं विजय गोयल की ओर से भी, बीजेपी नेता विजय गोयल की ओर से भी नियम का उल्लंघन किया गया। इसी पर देखिए हमारी एक रिपोर्ट भी। दिल्ली में आज ऑड इवन की अग्नि परीक्षा रही। 3 दिन की छुट्टियों के बाद ऑफिस और स्कूल खुले। बेशक आज तमाम ऑफिस और स्कूल खुले रहे, लेकिन सड़कों पर सिर्फ इवन नंबर की गाड़ियां ही नजर आईं। वहीं ऑड इवन की सफलता और असफलता से दूर इसको लेकर हुई सियासत ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। बीजेपी नेता विजय गोयल ने केजरीवाल सरकार पर कई आरोप लगाते हुए ऑड इवन के नियमों को तोड़ दिया, जिसके बाद उनका 3500 रुपए का चालान काटा गया। विजय गोयल के पास लाइसेंस और इंश्योरेंस के पेपर भी नहीं मिले। हालांकि विजय गोयल ने पहले ही नियम तोड़ने का ऐलान कर दिया था। विजय गोयल ने कहा कि उन्हें ऑड इवन के नियम से नहीं, लेकिन ऑड इवन के नाम पर हो रहे विज्ञापनों से दिक्कत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ऑड इवन के नाम पर अपना प्रचार कर रही है। करोड़ों अरबों रुपया जनता का ऑड इवन स्कीम के लिए फूंक दें और ऊपर से ये कहें ये स्कीम सफल थी जनवरी के अंदर, तो ऐसी सफल स्कीम का इतना बड़ा अपना चेहरा लगाने की क्या जरूरत थी जी? और ये अभी की बात नहीं है, जब से ये सरकार आई है 526 करोड़ रुपया कहती है हम जनता का मुख्यमंत्री और उसके प्रचार के लिए फूंक देंगे जाके। मेरा विरोध इतना सा था। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं, मुझे ये बताया जाए कि कितने करोड़ों रुपया इस ऑड इवन स्कीम के नाम पर आपने फूंका, उसका हिसाब दिया जाए। विजय गोयल ने 2000 रुपए के जुर्माने और ट्रायल के तौर पर ऑड इवन लागू करने के फैसलों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली सरकार ऑड इवन को कारगर समझती है तो उसे पूरी तरह लागू करने का फैसला ले। 1000 बसें कम हो गई हैं पिछली वाली योजना से, तो उनको जरूरत क्या थी इतनी जल्दी इसको लागू करने का? और ये स्कीम इतनी ज्यादा अच्छी है कि लोग कहते हैं दिल्ली बोले दिल से ऑड इवन फिर से। मैं बोलता हूं दिल्ली बोले दिल से लूटमार क्यों फिर से? तो इस स्कीम को हमेशा के लिए एक ही बार क्यों नहीं लागू कर देते जी? हालांकि दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने इस मुद्दे को लेकर विजय गोयल से मुलाकात भी की। गोपाल राय ने कहा कि नियम को न मानने के विजय गोयल के फैसले से दिल्लीवासी आहत हुए हैं। विज्ञापन पॉलिसी के खिलाफ है तो फिर सेंटर भी विज्ञापन करता है, देश के सारे स्टेट करते हैं, वहाँ तो ये नहीं प्रोटेस्ट करते हैं। मसला उसका नहीं है, मसला ये है कि ऑड इवन के दौरान इसको इसके नियम को वायलेट करने की बात पूरे दिल्ली वालों के दिल को चोट पहुंचा रही है। और मैं यही निवेदन करने आया था कि बच्चे बच्चे जब इसको फॉलो कर रहे हैं तो आप जैसा व्यक्ति अगर इसको करेगा तो इससे लोगों को तकलीफ पहुंचेगी। ऑड इवन पर सियासत के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ऑड इवन को कामयाब बताया, साथ ही कैब वालों के सामान्य से ज्यादा किराया वसूलने को लेकर भी उन्होंने संज्ञान लेने की बात कही। नेट रिजल्ट देखिए, सब लोगों ने अपने अपने समाधान निकाल लिए हैं और समाधान निकाले हैं, इसीलिए सक्सेसफुल हो रहा है। लोग वॉलंटरिली इसको फॉलो कर रहे हैं, अगर वॉलंटरिली फॉलो नहीं करते तो वायलेशन बहुत ज्यादा होते हैं। मेरे को पता चला है वो 5-5 गुना 6-6 गुना लोगों से चार्ज कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वाली बात है। तो इसके ऊपर अभी हम जाके मीटिंग कर रहे हैं और हम एग्जामिन करेंगे कि उनके खिलाफ क्या है।
केजरीवाल ऑड इवन को सफल बता रहे हैं तो बीजेपी इसे विफल करार दे रही है। बहरहाल इतना तो साफ है कि ऑड इवन फॉर्मूले का मुद्दा अब दिल्ली की सियासत के केंद्र में है और इस मामले पर जमकर सियासी बवाल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो क्या वाकई सियासी फेर में है ऑड इवन, और इसी पर चर्चा करेंगे कि कितना पास हुआ और क्या फेल हुआ ऑड इवन, क्योंकि आज अग्नि परीक्षा थी, आज पहला वर्किंग डे था और इसमें ऑड इवन फॉर्मूला कितना कारगर साबित हुआ, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं स्टूडियो में। कांग्रेस से हमारे साथ हाजी फहीम मौजूद हैं स्टूडियो में, इस पर हम चर्चा करेंगे उनके साथ। बीजेपी से मीरा अग्रवाल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वहीं आम आदमी पार्टी से श्याम गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा श्याम गुप्ता जी से। श्याम गुप्ता जी, आप मानते हैं कि आज का दिन जो कि माना जा रहा था लिटमस टेस्ट की तरह रहेगा ऑड इवन फॉर्मूले के लिए, वो सफल रहा? निश्चित रूप से सफल रहा जी, और दिल्ली की जनता में कोई अफरा तफरी नहीं मची है। सब कुछ समान ढंग से चला जी। दिल्ली के अंदर 600 अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं, मेट्रो के फेरे बढ़ाए गए हैं, हर वो काम किया गया जिससे दिल्ली की जनता के हितों की रक्षा हो सके। और निश्चित रूप से हमें चाहेंगे विरोधी दलों से कि वो हर बात में विरोध का स्वर ना अपनाए। दिल्ली सरकार के साथ कंधे से कंधा लगाकर यदि कुछ समस्या आती है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। आपकी सलाह, आपके सुझाव आमंत्रित हैं, उसका स्वागत है, लेकिन हर चीज में विरोध अपनाना ये कहीं ना कहीं दिल्ली के हितों को चोट पहुंचाने जैसा है। तो मैं इनसे अपील करूंगा दिल्ली सरकार के साथ चलें और जनता के हितों की रक्षा करें जी। आप कह रहे हैं कि सफल रहा आज का दिन, लेकिन मैं यहां आपको बताना चाहूंगी 10 से 12 बजे तक ITO से इंडिया गेट तक एक लंबा जाम लगा रहा, मेट्रो में भी लंबी लाइनें लगी रहीं, कतारें लगी रहीं। वहीं लोगों का यह भी कहना था कि ऑड इवन जो है वो कहीं ना कहीं उनको आसान नहीं लग रहा, पहले की तरह इस बार का नहीं रहा, दिक्कतें जो है वो बहुत ज्यादा रहीं। मीरा जी, आप इत्तेफाक रखती हैं जिस तरह से इन्होंने कहा? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती जी। ये अरविंद जी कह रहे थे बहुत सफल रहा, बधाई। क्राइटेरिया क्या है सफलता का जी? आप मेट्रो में पूरी वैसी भीड़ ही, बस स्टॉप पे आप जाकर के देखिए उतनी ही भीड़ है, गाड़ियों के जैम लगे हुए हैं। सिर्फ एक दिल्ली वाले व्यक्ति को, जैसा उन्होंने कहा कि मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, मजबूर बना देने वाली ये काम है कि भाई वो मजबूरी में क्या करे आदमी बस स्टॉपों पे खड़ा हुआ। मेरा मानना ये है कि दिल्ली में ज्यादातर लोग गाड़ी जो खरीदते हैं घूमने फिरने के लिए नहीं खरीदते, वो गाड़ी खरीदते हैं काम पर जाने के लिए, वो गाड़ी खरीदते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, वो गाड़ी जब खरीदते हैं जब पब्लिक कन्वेंस पूरा नहीं पड़ रहा होता, उसमें पब्लिक कन्वेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कोई इंप्रूवमेंट ना करते हुए सीधा ऑड इवन का फॉर्मूला दे दिया कि एक दिन ये नंबर एक दिन ये नंबर, तो लोग बाग काम पर जाने के लिए परेशान है। और इसका लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट निकलेगा? अभी ठीक है कि वो लोग कहीं बात कर रहे हैं, कहीं बस स्टॉपों पे खड़े हैं, कहीं मेट्रो पे खड़े हैं, लेकिन थोड़े दिन में कोई पुरानी गाड़ी कोई कुछ और तरह की सवारी वो ले लेंगे, और जिससे कि अभी पार्किंग पर कितनी बार हम सुनते हैं झगड़े हो रहे हैं, घरों के बाहर गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं है, अंडरग्राउंड पार्किंग्स बनाने के लिए इतनी जगह दिल्ली में है नहीं, तो होगा क्या कि ये झगड़े और बढ़ेंगे। मेरा मानना यह है कि स्कीम आप जो मर्जी लाइए, लेकिन दिल्ली की प्रकृति प्रवृत्ति को देखते हुए, लोगों की जरूरतों का ध्यान में रखते हुए और उसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देते हुए अगर आप चीज को करेंगे तो वो चीज सफल होगी, वरना सिर्फ और सिर्फ अपने विज्ञापनों पर पैसा खर्च करने के लिए के बहुत सफल रहा, बहुत बधाई। मैं कहती हूं कि सारी दिल्ली की आवाज सिर्फ ये लोग हैं क्या? आज दिल्ली तो में यहाँ पर मीरा जी आपका ये कहना है कि प्रदूषण कम करना एक मकसद रहा होगा, लेकिन अपना प्रचार करना, लेकिन सबसे बड़ा भी कम नहीं रहा, प्रदूषण भी कम नहीं रहा, प्रचार जो है अपना करने की यहाँ पर आम आदमी पार्टी की कोशिश रही। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर श्याम जी? देखिए, निश्चित रूप से मीरा जी जो बात कह रही है ठीक है, मैं इस बात को मना नहीं करता हूँ। कोई भी नई योजना जब लागू करते हैं कोई भी सरकार, तो शुरुआती दौर में कुछ समस्याएं जरूर आती हैं, लेकिन ये तो दूसरी बार लाया गया, ये मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको। और हमने दिल्ली वालों से यही अपील की थी, प्रारंभ काल से अपील करते चले आ रहे हैं, अभी भी अपील कर रहे हैं कि यदि आपके आने वाले भविष्य में आपके बच्चों को गैस चैंबर जैसी चीजों से बचना है, प्रदूषण से बचना है, चौतरफा महामारी बीमारी से बचना है, ट्रैफिक जाम से बचना, अनेक समस्याओं से बचना है, तो आपको ऑड इवन की आदत डालनी होगी। और आपके सहयोग से, आपके प्रेम मोहब्बत से, यहां कोई जोर जबरदस्ती हो नहीं माते, अरविंद जी ने इस बात को कही थी, यदि दिल्ली की जनता नकार देगी तो हो सकता है इस पर हम लोग दोबारा से सलाह करें, विचार इसको वापस लेने तक की बात कह दी उन्होंने। तो मैं मीरा जी से
आग्रह करना चाहूंगा यदि हमसे कोई समस्या आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, उसको हल दीजिए, उस पर अमल करेंगे, अपना सलाह दीजिए, चर्चा करेंगे कि वाकई क्या इस फॉर्मूले से प्रदूषण कम हुआ है, क्या जिस राहत की बात यहाँ दिल्ली सरकार की ओर से की जा रही थी वो लोगों को मिली है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उस ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे।